नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड दूरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप लोगों का प्यार और स्नेह हमें मिलता रहे। आज हम आपको एशिया की सबसे लंबी रोपवे जो केबल कार जोशीमठ से औली जाती है, उसमें से आपको औली के साथ साथ आसपास के क्षेत्र का सुंदर दृश्य दिखाते हैं। जोशीमठ से औली रोपवे लगभग 4.25 किलोमीटर की है, जिसमें से औली पहुंचने में 22 मिनट का समय लगता है। जब केबल कार जंगलों के बीच में से होकर गुजरती है तो वह समय जिंदगी के सबसे खूबसूरत समय में से एक होता है। जब इन पेड़ों के ऊपर बर्फ पड़ी हो तो इनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। रोपवे से हिम आच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं का मनोहर रमणीक दृश्य देखने को मिलता है। यह क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यह क्षेत्र हिम क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता का नजारा देखने को मिलता है। जब सूर्य की तेजस्वी किरणें औली की बर्फीली वादियों पर पड़ती है तो इनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। औली में चेयर कार के साथ साथ स्नो स्कूटर में बैठ करके प्राकृतिक सुंदरता का नजारा देखने को मिलता है। औली जिला चमोली में स्थित बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हाउ टू रीच औली, हरिद्वार और देहरादून से जोशीमठ के लिए डायरेक्ट बस सेवा के साथ साथ टैक्सी गाड़ी बुक करके भी आप यहां आ सकते हैं। जोशीमठ से सड़क मार्ग से 16 किलोमीटर की दूरी पर औली है, जबकि केबल कार से 4.25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद औली का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। अब हम केबल कार से प्रकृति की सुंदरता का नजारा देखने के बाद पहुंच चुके हैं औली। अब यहां से हम आपको औली के बारे में बताएंगे। चलाना चाहते हैं तो आपको इसकी चलाने से पहले इन बातों का ध्यान देना आवश्यक होगा। ये आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं इसकी पेयर्स, और जो इसका आगे का हिस्सा है इसको बोलते हैं टिप, और जो इसका पिछला हिस्सा है इसको बोलते हैं हिल, और जो ये इसको कहते हैं रनिंग सरफेस, और जो ये इसकी का आगे का हिस्सा है जहाँ पे इसकी के बूट फिट होते हैं इसको बोलते हैं टो बाइंडिंग, और इसको बोलते हैं हिल बाइंडिंग। और आप ये देख सकते हैं, देखो आप आपको इसकी कराते हैं, इसकी करते हुए आप देख सकते हैं इसकी सबसे पहले आप देख सकते हैं, और मैं अब आपको इसकी चला के दिखाऊंगा। इसकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। अभी हमने इसकी के पेयर्स लगा दिए हैं और अब हम उन ढलानों में इसकी का आनंद लेंगे। इसकी कैसे चलाएं, इसकी अगर चलानी है तो इसमें वी आकार की आप देख सकते हैं कि जो मेन स्लोप है यहाँ पे औली का 10 नंबर से ऊपर का भाग है, यहाँ पे स्कीइंग होती है। और जो ऊपर से आप देख रहे हैं ये स्नो बाइक जो कि औली की बर्फीली ढलानों में चलती है, इससे बैठ करके प्राकृतिक सुंदरता का नजारा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं, आप देखिए उसमें से पीछे से एक आदमी बैठा है जो कि आप देख सकते हैं, इसमें बैठ करके प्राकृतिक सुंदरता का नजारा देखने को मिलता है। यह औली की इन खूबसूरत बर्फीली ढलानों में
चलता है, आप देख सकते हैं। ये देखो